तो दोस्तों फिलहाल हम एमपी रोड होते हुए मॉल रोड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही रश है और एक स्ट्रीट मार्केट है। यहाँ से आप कुछ भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। गर्म कपड़े ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे। और चलता हूँ आपको आगे दिखाता हूँ मॉल रोड। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं जहाँ से आप गर्म कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ स्ट्रीट मार्केट में आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फैंसी कैप वगैरह हैं, देख सकते हैं आप। और कैप मेरे को अच्छी लग रही है, कोई देखता हूँ मैं कैप। तो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये नीचे रोड गया बस स्टैंड की तरफ, जहाँ से आपको उसका शेयरिंग शोम और बसेस वगैरह मिल जाती हैं। और इधर से हम ऊपर जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके मॉल रोड है। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, ये है केविन टच। यहाँ पे आपको सॉफ्टी वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगी। और मैंने ना, मेरा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो मैंने ये सॉफ्टी ले लिया। इसका प्राइस है 40 रुपीज़। ठीक है, लगभग यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी शॉपिंग। बट वही है ना, मैं आपको बता, टूरिस्ट प्लेस है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको अपने लोकल के अकॉर्डिंग। हेलो अंकल, नाम क्या है आपका? कोमल देव। आप कहीं से लोकल से हैं? लोकल से हैं। अच्छा, बांसुरी आप बनाते हैं या फिर ये आप ही खुद बनाते हैं? अच्छा, आपका जो बांसुरी का मधुर है ना, मैं बहुत दूर से सुन रहा था, नोटिस कर रहा था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और आप इनको सेल भी करते हैं? अच्छा, ये लगभग यहाँ से मॉल रोड है, मॉल रोड ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, आगे जाके मॉल रोड है ना। तो इनका प्राइस क्या है? ये तो बिक्री करने हो गया सारा हो गया। तो दोस्तों ये है मॉल रोड दार्जिलिंग का, जिसको चौरास्ता बोला जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको घोड़ी भी मिल जाती है, जिसकी राइड आप ले सकते हैं, जिसका 300 रुपये प्राइस है, जो आपको दो चक्कर घुमाते हैं। और यहाँ पे साइकिल भी मिलती है, जिसको आप ड्राइव कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जीबिशन की बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी, जिन पे आपको बहुत सारी आइटम मिल जाएंगे, खाने वाली चीज़ें। और यहाँ की चाय तो फेमस है, वो भी यहाँ पे आप चाय मिलती है। और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, वो सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, आप भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों आपको दार्जिलिंग में सबसे बढ़िया खाना खाना है तो एक नारायणा दास करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको बहुत ही डिलीशियस फूड मिलता है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से आपको फूड सर्व किया जाता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं नारायणा रेस्टोरेंट पे, हम आए हैं। कल तो हम सर्च कर रहे थे, हमें कभी अच्छा नहीं मिला था कहीं भी, सारी जगह हम देख रहे थे, स्ट्रीट फूड ही मिल रहा था हमें। लेकिन अभी हमें किसी से इंफॉर्मेशन ली और ये रेस्टोरेंट में हम आए हैं, जो कि ये पड़ता है नारायण दास रेस्टोरेंट, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे, 500 मीटर आपको हार्डली 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके बाद आपको आगे आना है, पेट्रोल पंप पड़ेगा, पेट्रोल पंप से आगे आप राइट हैंड पर देखेंगे, वहाँ पर मिलेगा। हमने अभी एक नूडल्स ऑर्डर किए थे, बेसिकली चाउमीन, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बाकी उसका प्राइस था 110 रुपये। बाकी हमने ये देख सकते हैं आलू के पराठे, इसका प्राइस है 40 रुपीज़ किया है। अभी इसका टेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ना हमें एक अचार दिया है, पिकल है, और सॉस भी दिए। तो मैं फिलहाल सबसे पहले सॉस से टेस्ट करता हूँ। टेस्टी है, बाकी हम फिलहाल इसको खाते हैं और इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी इसको फिनिश करते हैं और हम चलते हैं आगे की ओर। खाना खाने के बाद दोस्तों हम पहुंचे दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, जिसको हिमालयन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज के भी नाम से इसका रिकॉर्ड है और ये काफी ऊंचाई पे बना हुआ है। ये भारत का सबसे ऊंचाई पे रेलवे लाइन है। तो इसकी जर्नी हमने की और मैं आपको बता दूं, इसकी जर्नी आप दो तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी टॉय ट्रेन चलती हैं जो कि डीजल इंजन के साथ चलती है और एक चलती है आपकी स्टीम लोको के साथ, तो आप कोई सी भी राइड कर सकते हैं। तो हमने तो यहाँ से डीजल राइड ली थी और जिसका हमें फेयर पड़ा था 910 रुपये पर पर्सन। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बतासे लूप पे और यहाँ पे ये दार्जिलिंग का फेमस गार्डन है। आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर टूरिस्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे गार्डन में चारों तरफ आपको फ्लावर से फ्लावर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चारों तरफ आप लोकेशन देखेंगे, आप काफ़ी शानदार लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी इस ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ आप देखेंगे, ये है हमारी ट्रेन, ठीक है, जो कि 3 कोचेस की है। और चलते हैं, हम थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ उस चीज़ का। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी ट्रेन आती है। आप वैसे भी आ सकते हैं बाई ट्रांसपोर्ट और अपना पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ पर आ सकते हैं। और अभी समर वेकेशन सीजन स्टार्ट हो गया है तो बहुत दूर दूर से टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं। दार्जिलिंग है ही ऐसी चीज़, जन्नत जैसी चीज़ यहाँ पर देखने लायक रहता है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा इंडियन फ्लैग, और यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने शहादत दी है उनके लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। और इधर की लोकेशन देखिए आप, शानदार, कितनी प्यारी लोकेशन है। और ये हाईएस्ट है, यहाँ से आप सारा व्यू इंजॉय कर सकते हैं चारों तरफ का, पूरे दार्जिलिंग का। और देखिए यहाँ से, ये आप सामने देख सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रीट स्टॉल लगी हुई है, यहाँ से आप कुछ परचेज वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चारों तरफ आपको मिल जाएगी, पूरा टॉय ट्रेन के साथ, पूरा टॉय ट्रेन यहाँ से राउंड लेगी, फिर घूम के चली जाएगी यहाँ से, फिर सीधा हमें दार्जिलिंग उतारेगी। ठीक है, आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आप स्ट्रीट मार्केट का भी शॉपिंग कर सकते हैं। वूलन आपको कपड़े मिल जाएंगे, चारों तरफ आप देख सकते हैं वूलन कपड़े यहाँ के। ठंड है वैसे, ठंड का मौसम रहता है यहाँ पर, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप टेलीस्कोप्स के द्वारा अपना व्यू इंजॉय कर सकते हैं दार्जिलिंग का। इनका भी कुछ चार्ज है भैया, कितना चार्जेस? ये 50 रुपीज है, कितनी देर के लिए? देर के लिए नहीं, यहाँ से 12-15 पॉइंट ही यहाँ से दिखाते हैं, गाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, गाइड भी करते हैं, ओके ओके। तो इस टेलीस्कोप का प्राइस है, मैं आपको बताऊँ, 50 रुपीज़ का, जो कि वो गाइड भी करते हैं और आपको पूरा फुल दिखाते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप के द्वारा पूरा जो दार्जिलिंग का व्यू है थोड़ा गाइड करेंगे आपको, जो बिल्डिंग है, मेन पॉइंट है, वो सारी गाइड करके आपको बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फैंसी ड्रेस, यहाँ की दार्जिलिंग की जो ड्रेस है, कल्चर ड्रेस है, इसमें भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये भी चार्जेस देखे आप, और ये खुद यहाँ पे फोटोग्राफर हैं, वो भी आपके फोटो निकालते हैं। दोस्तों, आप भी कभी आ रहे हैं दार्जिलिंग तो टॉय ट्रेन की सवारी जरूर करना, काफी आनंद आते हैं, गलियों से गुजरती है और क्या नज़ारे होते हैं ऊपर के पहाड़ों के। तो मैं प्रेफर करूंगा आप टॉय ट्रेन की जर्नी जरूर करें। फिर इसके बाद हम निकल दिए रोड ट्रिप पे। दोस्तों, हम अपनी स्कूटी से ही रोड ट्रिप पे निकल पड़े और जैसे ही हम बाहर निकले दार्जिलिंग से, और क्या ही शानदार हमें मौसम देखने को मिला, हल्की सी बारिश और हल्का हल्का फॉग भी होने लगा। दोस्तों, आपको स्कूटी के बारे में नहीं पता तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया है आपको कि आप कहाँ से स्कूटी रेंट ले सकते हैं दार्जिलिंग में और कितना फेयर होगा, सब कुछ उसमें आपको बताया मैंने, तो आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, उस पार्ट को जरूर देखना। सो गाइस, अभी हम कर रहे हैं रोड ट्रिप और शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। दार्जिलिंग से हम निकले हैं 10 किलोमीटर दूर लेप्चा जगह, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है दार्जिलिंग में, और तो थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आए हैं और रोड ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ पे आके क्या मौसम देखने को मिला है हम लोगों को, बाकी अल्टीमेट लेवल का मौसम देखने को मिला है। जी हाँ, अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30, और आप देखिए मौसम, क्या नज़ारे हैं, वाह, आपको चारों तरफ फॉग ही फॉग देखेगा। और ये मेन रोड है, आप सूमो शेयरिंग से भी आ सकते हैं, आप प्राइवेट व्हीकल भी करके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं, बाकी मौसम काफी सुहाना है।
सो फिलहाल दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी लेपचा जगत, और यहाँ की जो नज़ारे हैं ना वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टॉप ले लिया है और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए एक सामने एक स्टॉल है, हमने यहाँ पे अभी मैगी वगैरह एंजॉय की है। और बेसिकली ये रोड गया है आपका दार्जिलिंग के लिए। ठीक है, और अब यहाँ के सामने के नज़ारे देखिए आप सामने, वाह अल्टीमेट यही है लेपचा घाट। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ले चलता हूँ मैं आपको थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ का मौसम तो आपने देख ही लिया, क्या शानदार मौसम था, पूरा चारों रोड पे फॉग ही फॉग। और कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यार, देखो चारों तरफ कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पे आप आके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी रील्स बना सकते हैं यार, अल्टीमेट लोकेशन है। जी हाँ, देखिए चारों तरफ क्या लोकेशन है भाई, गजब। अभी आपको और दिखाता हूँ, मेरी ना चाय रेडी हो गई है और ऐसा मौसम में चाय पीना तो बनता है। जी हाँ, तो सामने स्टॉल है, मैं वहीं जाता हूँ और अपनी चाय को एंजॉय करता हूँ। फिलहाल हमारी चाय आ चुकी है और ऐसे मौसम में चाय तो बनती है, एक चाय काफ़ी टेस्टी है। और अभी आपको और नज़ारे दिखाता हूँ मैं, बाई रोड के नज़ारे आपने देख लिए सारे, तो वीडियो में आज तक बने रही है। ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अभी मैं ऊपर जाऊँगा, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पे ऊपर जाके आपको सारे व्यूज़ मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक रास्ता है ऊपर तक जाने का, मैं जा रहा हूँ ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या मिलता है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे भी पता है, आइडिया नहीं है और ना मेरे को मालूम कि क्या क्या है यहाँ पे क्या नहीं। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, आपको भी तो आना है ना मेरी वीडियो देख के। ठीक है, तो चलता हूँ मैं ऊपर, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे होने वाले हैं क्योंकि मेरे को फील हो रहा है। जी हाँ, मैं अभी लेपचा जगत के एंड पॉइंट पे पहुँचने वाला हूँ। ये सामने देखिए नज़ारे, ये है लेपचा जगत और यहाँ अभी सनसेट होने वाला है, तो उसका अभी मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ से वो सिटी है दार्जिलिंग। ठीक है, अगर आप हिल स्टेशन का मजा लेना चाहते हैं ना, ये है लेपचा जगत। और दार्जिलिंग में अगर आपकी ट्रिप है तो इस प्लेस को मिस मत करना, यहाँ के नज़ारे अल्टीमेट ही हैं। आपका भाई और आपका दोस्त ये ट्रिप बजट में कराएगा, बजट में ही कराता है। सारे ब्लॉग्स आप देखते रहना, ठीक है। और मौसम यहाँ पे चेंज होता रहता है, और देखिए अभी हम सनसेट भी लेने वाले हैं, धीरे धीरे सनसेट हो रहा है। दोस्तों आपने सनसेट तो देखा और फिर हम अगली सुबह निकल दिए सनराइज देखने के लिए। और सनराइज देखने के लिए दार्जिलिंग में एक फेमस जगह है टाइगर हिल्स करके, वहां हम पहुंचे सुबह ही सुबह। और सुबह का नज़ारा आप ये देखिए, क्या ही शानदार नज़ारा है। तो आप दार्जिलिंग में सनराइज देखना चाहते हैं तो इस जगह को मिस मत करना, यहाँ पर जरूर आएँ। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह निकलें और वहाँ पहुँचें और वहाँ पहुँच के ये नज़ारा देखें, कितना खूबसूरत नज़ारा है सनराइज का। दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में।